हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ट्विंकल। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाली हूँ दिल्ली की सरोजनी नगर। हाँ गाइस, दिल्ली की सरोजनी नगर। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है उधर सही में इतनी सस्ती चीजें मिलती है और नहीं मिलती है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं, लेट्स कम विथ मी। होए होए, हम पहुंच चुके हैं हमारी झोला पकड़ के सरोजनी नगर। आज देखेंगे सरोजनी मार्केट आपको क्या ऑफर करती है और क्या प्राइस पॉइंट में। गाइस, 200 रुपीज की पहले मैंने आपको प्लाजो दिखाया, उसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ स्कर्ट और शॉर्ट्स। गाइस, इधर की शॉर्ट्स बहुत अच्छी थी, जस्ट दैट आपको साइज मिल जाना चाहिए और आप तो नेक पे लगा के अपनी साइज चेक कर सकते हैं, वो तो एक ट्रिक है। उसके बाद गाइस, आपको ना 80 रुपीज की टॉप्स भरोसा कर सकते हैं। ये है सरोजनी मार्केट, 80 रुपीज की टॉप मिल रही थी, कार्डिगन मिल रही थी और इतनी प्यारी प्यारी थी, बहुत सारे थी, वो भी बहुत सारे आप देख सकते हैं कलर वेराइटीज़ में भी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और मैंने भी एक टॉप लिया था, ये वाली टॉप मैंने लेके आई हूँ, बहुत खूबसूरत थी। सो 80 रुपीज़ की टॉप कहीं नहीं मिल सकती है, ओनली सरोजनी नगर में मिलेगी गाइस। देन गाइस, आपको ना ये 250 रुपीज़ की बहुत ही प्यारी प्यारी ट्राउजर्स मिल रही थी, वो भी ऑफिस वेयर भी मिल जाएगी और ऐसे आपको स्टाइलिंग करने के लिए भी ना डिफरेंट डिफरेंट कलर ब्लॉक्स में मिल रही थी। क्वालिटी काफ़ी डिसेंट थी, मैं वो देख के चौंक गई। चलो प्राइस तो सस्ता हो ही सकता है बट क्वालिटी भी अच्छी थी, सो सही था। देन ये वाला चूड़ी की शॉप थी जहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको सेट मिल रही थी, वो भी बहुत सारे वेराइटीज़ में, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। सो मैंने भी एक लेके आई हूँ, बाद में रिवील करूँगी आपको जब हॉल बनाऊँगी। और उसके बाद चप्पल मिल रही थी ओनली फॉर 250 रुपीज़ में, अप्रोप्रिएट फॉर ऑफिस और कॉलेजेस, मतलब कोई भी ट्रेडिशनल कुर्ती वगैरह पहन रहे ना, ये सारे लेके जा सकते हैं। आजकल ना ये वाले बहुत ट्रेंड में हैं जो कपड़ों के साथ और थोड़े से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ डिज़ाइन किया जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये वाली चप्पल मैंने ना बेंगलोर में भी देखा था बट इसकी प्राइस थी गाइस 750 रुपीज़ की, जो मॉल के सामने रहती है, और इधर ओनली फॉर 250 रुपीज़ में, क्या डिफरेंस है भाई। देन हमारी 330 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ की ईयरिंग्स, वो खाली सरोजनी नगर ऑफर कर सकती है। और इस हम ना बहुत सारे वीडियो लिए हैं ईयरिंग्स की, टेंशन मत लीजिए, दिखाऊंगी। और उससे पहले ना आपको ना सरोजनी नगर में भी आपको थोड़ी बहुत लग्जरी टाइप ऑफ जो चीज़ें मिल जाती है, सो इसमें से ये आप देख सकते हैं, ये वाले शॉप में क्लचेस और पर्सेस मिल रही थी, स्लिंग्स बैग मिल रही थी, जो थोड़ी सी लग्जरी प्राइस पॉइंट में था, लाइक आपको 1000 के अराउंड में। उसके बाद लेके आ गई हूँ सस्ती चीज़ें जहाँ की आपको 350 रुपीज़ में कोई भी उठा लीजिए, कोई भी बैग उठा लीजिए आपको 350 रुपीज़ ओनली। और ये वाली बैग देखिए बहुत ही अच्छी थी, मतलब इसकी स्पेस भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे चेन्स थे और बहुत प्रिटी प्रिटी बैग मिल रही थी। ये वाला देखिए ना कितना सुंदर है, ब्लैक वाली। उसके अलावा बहुत सारे वेराइटीज़ थे ओनली फॉर 350 रुपीज़ में। और उसके बाद गाइज मैं आई, इधर बोल रहे थे अलग अलग प्राइस पॉइंट था, इधर ये सारे जो बड़ी बैग था ना वो बोल रहे थे 450 रुपीज़ में। हाँ, इधर प्राइस बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बार्गेनिंग बहुत मस्त होती है। मैंने दिल्ली की हर मार्केट घूम लिया पर सरोजनी जैसा कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे इतने अच्छे आपको बार्गेनिंग हो जाएगा, मतलब आप जा रहे होंगे ना सही में पीछे से बुलाते हैं गाइज, और कोई मार्केट बुलाते ही नहीं है कि जाओ तुम, हो गया तुम्हारा अब निकलो इधर से, बट ये मार्केट आपको पक्का बुलाएंगे, मतलब मार्केट में लोग बुलाएंगे, मैडम ले जाइए, वैसे तो इतना प्राइस होता नहीं है बट आप ले जाइए, आपके लिए हम कर दे रहे हैं। सो हाँ गाइज, ये साड़ी मिलती है जो 350 रुपीज़ में, ये जितने भी साड़ी आप देख रहे हैं ना सारे 350 रुपीज़ में। सो मैंने भी लेके आई हूँ एक साड़ी, वो भी इंडिगो प्रिंट में। देन गाइज, टोट बैग मिल रही थी बट ये वाला ना महंगी थी क्योंकि एक शॉप में पर्टिकुलरली थी, तो इसकी प्राइस थी गाइज 250 रुपीज़ और मैंने लेके आई हूँ। उसके बाद गाइज आप टॉप्स देख सकते हैं, ये सारे टॉप्स 200 एंड 150 रुपीज़ की है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में थे। और भाई, जारा और H&M तो ऐसे ही पड़े रहते, कोई इज्जत नहीं है जारा एंड H&M की, इतने सारे टॉप्स आर अवेलेबल फ्रॉम
द जारा ब्रांड एंड H&M ब्रांड, बहुत ही प्यारी प्यारी की टी शर्ट मिल रही थी। देन मैंने और एक शॉप देखा जहाँ पे ओवर साइज टी शर्ट्स मिल रही थी, काफ़ी प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी, क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थी बट गाइस डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं ये मियाओ वाली टी शर्ट बहुत खूबसूरत है। सो इसकी प्राइस आपको मैं बता चुकी हूँ 200 थी और बाहर भी कुछ कुछ स्टॉप थी, बहुत ही प्यारी थी। और ये आपको शॉप की वीडियो भी दिखा दिया। देन गाइस फिर से 30 रुपीज़ की इयररिंग्स, मैंने बोला था ना आपको बहुत सारे 30 रुपीज़ की इयररिंग्स दिखाऊंगी मैं इस मार्केट में ना। 30 रुपीज़ जो इयररिंग्स है वो मेरी फेवरेट है गाइस, लेके आ जाओ इधर भी बेंगलोर में, मेरे बोलने का मतलब था। सो उसके बाद ना ऐसे होमवेयर्स भी था जहाँ 150 रुपीज़ की सारे मिल रही थी। मैं आप एक चीज़ ली हूँ आपको दिखाऊंगी, दुपट्टे। गाइस मैंने ट्राई की हूँ ना एज मच एज पॉसिबल मैंने चीज़ें ऐड करूँ, क्या है चीज़ें मिलती हैं वो आपको दिखाऊँ, वो भी कितने प्राइस पॉइंट में सारे में। इफ़ कोई छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं एक चीज़ों से दूसरे चीज़ क्या प्राइस हो सकती है। सो हाँ गाइस ये वाले बैग ना स्पेशली मेरी फेवरेट थे, मुझे लेने की बहुत मन थी बट गाइस स्टूडेंट लाइफ चली गई है, इसको लेके मैं क्या ही करूँगी, सो नहीं ले पाई। और गाइस प्राइस पॉइंट इसकी 400 और 450 राउंड में थी और बहुत सारे वेराइटीज़ थी, तो वो बहुत ही प्यारी, वो बहुत क्यूट थी, कोरियन बैग थी बैकपैक। और गाइस आपको ना कलरफुल चीज़ें चाहिए तो इस मार्केट में आ सकते, इतनी सारे चीज़ें थे। एक साइड में डेनिम की पूरा लेन लगी थी, एक साइड में पूरा कलरफुल चीज़ें मिल रही थी, आपको डेनिम्स मिल जाएगी और आपको जीन्स में जो डैंगरी से लेके आपको पूरा जंपसूट तक मिल जाएगी। फिर से गाइस हम आ गए हो 30 और 50 रुपीज़ की इयररिंग्स, वो भी बहुत ही खूबसूरत वाले इयररिंग्स है। गाइस जो 30 रुपीज़ की इयररिंग्स है ना वो मेरी फेवरेट है, 50 रुपीज़ की तो इयररिंग्स अच्छी ही है बट 30 रुपीज़ वाली तो अलग ही होती है। और नीचे आप देख सकते ये जो झुमके है ना ये 50 रुपीज़ की है, मैंने एक लेके आई हुई हूँ, आपको आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही बड़ा सा वीडियो मैंने बनाया था। और बीच में मैंने ये वाला भी ऐड किया, इधर कुछ नहीं है, ड्रीम कैचर के साथ साथ बहुत कार्टून कैरेक्टर वगैरह मिल रहे थे और मैं भी थोड़ा सा हवा खा रही थी, बहुत गर्मी थी। एंड गाइस 450 रुपीज़ की आपको टोट बैग मिल जाएगी, वो भी बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़। मुझे ऑब्वियसली वो से लुई विटॉन वगैरह उसकी बैग वगैरह पसंद नहीं है, कोई भी ब्रांड की जो रहती है, बट हाँ ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस के सिंपल सा बैग लेना मुझे बहुत पसंद है। गाइस 50 रुपीज़ की ना आपको शर्ट मिल रही थी एंड बहुत ही प्यारी थी बाहर से, तो हमने अंदर गए तो बहुत ही प्यारा प्यारा एनिमी जो कार्टून कैरेक्टर्स के ना बहुत ही ओवर साइज टी शर्ट मिल रही थी, वो भी बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट में 250 रुपीज़ की, और 200 की भी कुछ थी, 150 की भी थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। उसके बाद ये वाला टोट बैग आप देख सकते हैं इधर ही मिल रही थी 80 रुपीज़ की टोट बैग। आई नो आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे मिल रही थी, मुझे एक्जैक्टली लोकेशन नहीं पता पर मैंने दिखा दिया सामने क्या है। सो हाँ इधर बहुत ही प्यारी प्यारी बैग मिल रही थी, 100 की भी थी एंड 80 रुपीज़ की भी थी, छोटी वाली 80 रुपीज़ की थी। टोट बैग मेरी बहुत फेवरेट है और मैंने ना सरोजनी से लेके आई हूँ, वो भी दो दो लेके आई हूँ। टोट बैग के साथ मतलब कंपैरिजन नहीं होती है, इतनी प्यारी होती है, हर किसी कपड़े के साथ चली जाती है। सो गाइस ये ना ये फ्रंट में ही हम जब जाते हैं आप सरोजनी एंट्री करते ही आपको ये शॉप मिलेगा जहाँ पे ऐसे ना बहुत ही प्यारी प्यारी जो न्यू लाइक ग्रीन कलर की और पिंक कलर की हील्स मिल रही थी, वो भी बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट में 350 और 450 रुपीज़ में। देन गाइस एक ऐसा लेन था जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ऐसे शर्ट मिल रही थी जो 100 रुपीज़ की थी। गाइज मैंने ना बहुत सारे चीज़ें ऐड किया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि बहुत सारे 100 रुपीज़ की धड़ी थी, 50 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की ना मतलब 30 रुपीज़ की इयररिंग्स थी, 80 रुपीज़ की टॉप्स वगैरह थी, वो मैंने सारे ऐड नहीं किया है। इतना ट्राई किया है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिले। और गाइस आप देख सकते हैं ये फिर से मैं दिखा रही हूँ 30 और 50 रुपीज़ की इयररिंग्स। एंड गाइस बेल्ट था जिसकी प्राइस थी, बोल तो रहे थे 200 में और लास्ट में आते आते
गाइज, आप बोल भरोसा नहीं करोगे, उन्होंने 80 रुपीज़ तक में ही पहुँच गए थे। बट मैंने ना जनपद से ख़रीद लिया था तो मैंने लिया नहीं। और आपको इस टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ वाइट बेल्ट मिल जाएगी एंड पतली भी मिल जाएगी। बहुत सारे वेराइटीज़ थी, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है सरोजनी नगर। कास मैं उधर ही पास में रहती, एवरी वीकेंड में विजिट करती। और उसके बाद ये थोड़ा सा, बहुत सारे शॉप्स थे जहाँ पे ग्लासेस थी, बट ये वाले शॉप में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के थे। सो मैंने ना कुछ ट्राई भी किया और मुझे क्वालिटी वाइज भी काफ़ी पसंद आया। महंगी भी थोड़ी सी थी और सारे में मिल रही थी 100 की 150 की ऐसे मिल रही थी, बट इधर ना 200 और 250 रुपीज़ की भैया बोल रहे थे। प्राइस नहीं कमा रहे थे, 350 से 100 रुपीज़ कमा दिए थे, बट उससे ज़्यादा कमाए नहीं। तो हाँ, उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी। और उसी के साथ में एक शॉप था जहाँ पे बहुत सारे ओवर साइज़ टी शर्ट मिलता है। सरोजनी नगर में ओवर साइज़ टी शर्ट तो की हैवन है। तो हाँ, अब जा रहे तो आप ले सकते हैं, आपको पसंद है। उसके बाद ये वाली कितनी बड़ी लेन थी जहाँ पे ना आपको कोई भी अब जैसे पिंटरेस्ट से हम बनाते, कोई आइडिया लेके हम बनाते, आउटफिट क्रिएट करते, उधर सारे आउटफिट मिल जाएंगे। और ऐसे 300 की गाइस इधर ना कोट सेट मिल रही थी। मतलब स्टार्टिंग तो 50 रुपीज़ से हुआ, फिर 300 की हो गए। देन गाइस इधर भी टोट बैग मिल रही थी जो 100 रुपीज़ की थी, और आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करोगे तो 70 और 80 रुपीज़ की, नॉट 70 आई थिंक 80 और 90 रुपीज़ की मिल जाएगी। देन गाइस ऐसे ही ना आपको लेके घूमते हुए जो इयरिंग्स लेके घूमते हुए मिल जाएंगे, और इधर आपको 30 और 50 रुपीज़ की एंड 100 रुपीज़ तक भी मिल जाएगी अगेन। सो मैंने दो तीन लेके आई हूँ, बताऊँगी आपको, नहीं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। और लास्ट में आपको ये दिखा रही हूँ इधर ना जारा की, और जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की जो ड्यूप्स होती है ना वो भी मिलती है। वो भी मुझे स्टिचिंग का थोड़ी सी इशू था, बट हाँ एग्जैक्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 500 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। और डेनिम्स ना आपको बहुत वेराइटी ऑफ डेनिम्स मिल जाएगी। और ये जो कोट सेट है ना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में, ये स्पेशली ये जो पैटर्न है ना ये जारा में ही मिलती है और इधर अवेलेबल था, तो बहुत ही सही था। सरोजनी नगर में कितना कुछ चीज़ें मिलती हैं। हाँ गाइस, कार्गो बहुत ही प्यारी प्यारी कार्गो मिल रही थी सरोजनी मार्केट में, वो भी 450-350 में। सो हाँ, डोंट फॉरगेट टू बाय इफ यू आर कमिंग टू सरोजनी गाइस। अब को बार्गेनिंग स्किल में ना बहुत ही प्रो होना पड़ेगा, बहुत ही सस्ते में चीज़ें मिलती है। एंड गाइस मुझे H&M की एक टॉप मिला जहाँ की प्राइस थी ओनली 250 रुपीज़ में। स्टिचिंग में बार बार चेक कर रही थी, कोई स्टिचिंग का तो प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ थोड़ी सी धागा निकला हुआ था। दैट सेट बहुत सही था, अब देख सकते हैं ये सारे कलर में अवेलेबल था। गाइस सरोजनी नगर में बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलती है गाइस, और देख सकते हैं 80 रुपीज़ से लेके आपको 100-500 तक चीज़ें मिल जाती है। और इस मार्केट में आप आ रहे हैं तो एक झोला लेके पक्का आ जाइए, बहुत ही मज़े से आपका फुल हो जाएगा झोला, वो भी बहुत कम पैसों में। सो इसी के साथ साथ आई थिंक मैंने ना आपको सरोजनी मार्केट का चीज़ें पूरा दिखा दिया। प्राइस पॉइंट में भी मैंने बताया कुछ मैं बताया, कुछ नहीं बताया। आप सोच लीजिए काफ़ी कंपेरेटिवली और मार्केट से काफ़ी सस्ती है ये मार्केट, और इधर चीज़ें भी बहुत चीज़ें मिलती है और बहुत बड़ी मार्केट, हम पूरा एक साथ तो कभी कवर नहीं कर सकते, बट हाँ मुझे लगता है आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जा गया है। सो गाइस ये वाले शॉप में ना पहली बार में एक शॉप था जो मना किए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास एक्सक्लूसिव डिज़ाइन की इयरिंग्स थी। सो हाँ थोड़ी बहुत अच्छी थी, मैंने लेके भी आई हूँ। सो ये मैंने जितना रिकॉर्ड किया था उतना आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मना किए तो स्टॉप कर दिए। आपको हेयर एक्सेसरीज मिल जाएगी, आपको बेडशीट, होम डेकोर प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इतने एंड तक देख रहे होंगे तो मतलब मेरी तरफ से बहुत ही बिग थैंक्स। और ऐसी ही चीज़ें आपको सरोजनी मार्केट में मिल जाती है, और आगे जाके और भी मार्केट की वीडियो आएगी, और एक बाकी है जो जनपद की वीडियो, जल्दी से हम जनपद की वीडियो लाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारी दिल्ली की जो मार्केट वीडियो ना उसकी दी एंड हो जाएगी। आई विल वेरी मच सैड
क्योंकि दिल्ली की जो मार्केट वीडियो ना मुझे खुद बहुत एक्साइटेड करती है आपको दिखाने में। इतनी सस्ती में इतने सारे चीज़ें मिलती है, डिज़ाइंस बहुत अलग अलग होती है, वो सबसे बड़ी बात है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।